Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel once again after a very long time. मेरा नाम है शाइनी और आप सब जानते हो कि मैं पिछले एक महीने से आप सब के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और उसका रीज़न भी मैं आपको ज़रूर से दूंगी। अगर आपने मेरा कुछ दिनों पहले लाइव सेशन देखा था तो आपको ज़रूर से ये पता होगा कि मैं इस वक्त हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आई विल बी फ्लाइंग आउट ऑफ इंडिया टू परस्यू माई हायर एजुकेशन। मैं ऑलरेडी MBA कर चुकी हूँ, आई एम आई MBA ग्रेजुएट इन इंटरनेशनल बिजनेस, बट मैं दूसरे डोमेन में, उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी नहीं, मैं एक दूसरे डोमेन में भी पढ़ना चाहती हूँ और उसमें अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर आई विल बी लीविंग इंडिया। एंड ऑल द अपडेट्स, जितनी भी अपडेट्स होंगी हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसकी भी जानकारी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। मेरा IELTS कम्प्लीट हो गया है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। आई हैव ओवरऑल सिक्योर्ड 6.5, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ 7, बट नेवरदलेस आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई स्कोर। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आज के करियर अपडेट को मैं आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट Amazon डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया। फिर से Amazon वापस आ गया है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोजीशंस के ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ और 12th पास इस वक्त हायरिंग कर रहा है Amazon। 12th पास ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जॉब रोल के ऊपर बात करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी येट और इफ़ यू हैव नॉट कनेक्टेड विथ मी ऑन LinkedIn, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे Instagram पे IAmShiny93 पे एंड ऑल्सो ऑन माई LinkedIn। दोनों प्रोफाइल्स का लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे चलता हुआ ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब मैं आज की इस पर्टिकुलर जॉब रोल के ऊपर आपसे बात करती हूँ। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे पास Amazon का प्रायर एक्सपीरियंस है। आई वर्क्ड एज अ कस्टमर सर्विस एसोसिएट विद Amazon डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया। इट वॉज डोमेस्टिक वॉइस विच आई वॉज हैंडलिंग, इट वॉज अ वर्क फ्रॉम होम वर्क। एंड जब मैंने इस पर्टिकुलर जॉब रोल में अप्लाई किया था, उस वक्त जो सैलरी पैकेज Amazon दे रहा था दैट वॉज ऑफ 2.4, और अभी भी जो पर्टिकुलर पैकेज आपके लिए मैं लेके आई हूँ ये 2.4 से लेके 2.88 पर एनम तक का है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर, प्रोफेशनल स्किल्स जिनकी आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहेंगी, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर वो इंसान आपको सबसे अच्छे तरीके से बता पाएगा जो प्रायर या प्रेजेंटली Amazon के साथ कनेक्टेड रहा है, Amazon के साथ काम कर चुका है या काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी जैसे कि आप सब जानते हो, इफ़ यू आर अ 12th पास, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, इफ़ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, विलिंग टू वर्क, विलिंग टू अर्न, विलिंग टू गेन एक्सपीरियंस विथ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, देन Amazon इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू गाइज, ठीक। देन आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली आपको कनेक्ट करना होगा Amazon के कस्टमर्स के साथ जो कि मोस्टली आपसे हिंदी में कनेक्ट करेंगे या फिर इंग्लिश में कनेक्ट कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसकी हायरिंग के लिए आपको चेक करना पड़ेगा Amazon का करियर सेक्शन, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बंगाली, फॉर मलयालम, फॉर मराठी लैंग्वेज, ठीक। देन आपकी गुड टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए। कंपनी की तरफ से आपको ग्रिंगबॉट या लैपटॉप ज़रूर से मिलेगा, लेकिन आपकी बहुत फास्ट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट डिफरेंट यू नो टाइपिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, हाउ टू हैंडल ईमेल्स, हाउ टू कनेक्ट वायर वर्चुअल मीट्स, आपको इन सब की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देन यू शुड ऑब्वियसली हैव द स्ट्रेट और आई कैन से अ प्रोफेशनल स्किल ऑफ कस्टमर सर्विस विथ पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप अपनी सबसे पहली कॉल ऑनबोर्डिंग पे लेंगे, जब आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी Amazon में एज अ CSA, जब आप अपनी सबसे पहली कॉल लेंगे, ऑब्वियसली यू विल बी नर्वस, अ बिट नर्वस, देन ऑब्वियसली आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पेशेंस होना चाहिए। कभी कभार कस्टमर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में भी बात करते हैं, तो आपको उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कैसे आपको उन कस्टमर्स के गुस्से को कंट्रोल करके उनके ग्रीवेंसेस को क्विकली रिजॉल्व करना है, ठीक है। Then obviously you should have the ability to work for long hours and also on rotational shifts. Okay, तो मैंने long hours में काम किया है, मैंने rotational shifts पे भी काम किया है, मैंने night shift भी की है,
और मैंने डे शिफ्ट भी की है। जो मेरी डे शिफ्ट होती थी उसका टाइमिंग था आपका 10 से 6 सुबह, और जो मेरी नाइट शिफ्ट होती थी उसका टाइमिंग होता था दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। उस बीच आपको 1 घंटे का या उससे कम समय का ब्रेक्स भी, स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स आपको मिलते हैं, और लंच ब्रेक भी आपको मिलता है, ठीक है। सैलरी पैकेज आपका रहेगा 2.40 से लेके 2.88। देन इसके अलावा कौन कौन सी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी, बहरहाल अमेज़ॉन के ऊपर मैं आपको ज़रूर से बताना चाहूँगी। आप किसी भी जॉब की बात कर लो, आप किसी भी कंपनी की बात कर लो, जो बेनिफिट्स आपको वर्क फ्रॉम होम में अमेज़ॉन देता है वो कोई कंपनी नहीं देता। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यस, मैंने अमेज़ॉन के साथ वर्क किया है और वो बेनिफिट्स भी मुझे मिले हैं। सबसे पहले आपका सोडेक्सो मील कार्ड आपको मिलेगा, हर महीने आपका सोडेक्सो मील कार्ड रिचार्ज भी हो जाएगा। उसमें आपको मंथली 1100 रुपीज़ आते हैं, जिससे आप स्विगी, जोमैटो, डिफरेंट आप ऑनलाइन फूड आउटलेट से आप अपने लिए यू नो फूड परचेज कर सकते हो एंड यू कैन इंजॉय। देन आपको इंटरनेट अलाउंस मिलेगा ऑफ 1250 रुपीज़। आपको इंटरनेट का भी अगर लग रहा है कि भाई मेरा खुद का लैपटॉप होगा या मेरा खुद का इंटरनेट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, कंपनी के थ्रू आपको लैपटॉप मिलेगा या ग्रिंगॉट मिलेगा, आपको UPS भी आएगा, आपको इंटरनेट अलाउंस भी मिलेगा। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आपको बस अपनी स्किल्स को यूज़ करना है और वर्क करना है, ठीक है। देन ऑब्वियसली अगर आपकी रोटेशन शिफ्ट में नाइट शिफ्ट लगती है तो उसका आपको पर नाइट के हिसाब से 150 रुपीज़ पर शिफ्ट का आपको नाइट अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जल्दी से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ CSA एट Amazon डेवलपमेंट सेंटर ऑफ इंडिया थी, जितनी भी कॉल्स आती थी Amazon के कस्टमर्स की, कुछ कस्टमर्स होते थे जिनका Amazon प्राइम नहीं होता था, कुछ होते थे जिनका Amazon प्राइम होता था, तो जब भी हमें कोई भी कॉल आती थी तो माई स्क्रीन पे आ जाता था कि वेदर द पर्सन दिस कस्टमर इज Amazon प्राइम कस्टमर और नॉट, ठीक है। देन हम अपने कस्टमर की क्विक उनका जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको क्विकली सॉल्व करते थे और उसको कंप्लीट ग्रीवेंस हम लोग देते थे। अगर कोई रिटर्न एंड रिफंड होता था उसको भी हम लोग इनिशिएट करते थे, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कनेक्ट करना होता था तो वो भी हम करते थे। Amazon फ्रेश से मोस्टली लोग रेगुलर परचेज करते थे तो उस वक्त इमिडिएटली कैसे उसका रेजोल्यूशन देना होता था, तो ये सब कुछ हम हैंडल करते थे। देन आफ्टर एवरी कॉल कस्टमर आपको एक फीडबैक देता है, वो भी फीडबैक हमारे साथ शेयर होता था, ठीक। अब हम यहाँ पे बात करने वाले फ्रेंड्स आपसे कि कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन सी लोकेशंस में इस वक्त Amazon हायरिंग कर रहा है, ठीक। तो इस वक्त Amazon हायरिंग कर रहा है फॉर राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हैदराबाद एंड उत्तर प्रदेश। आई एम अगेन रिपीटिंग, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हैदराबाद एंड उत्तर प्रदेश। और कैसे आपको अप्लाई करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल बी फाइंडिंग द रजिस्ट्रेशन लिंक। ओपन दैट लिंक, कम्प्लीटली फॉर्म को फिलअप करिए, सबमिट करिए और Amazon के HR डिपार्टमेंट द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक के बाद आपको एक और रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा और एक आपको ऑनलाइन वर्सन टेस्ट का भी लिंक आएगा, ठीक है। इसको आपको फिलअप करना होगा, वर्सन टेस्ट को आपको देना होगा। ये लिंक आपका 72 आवर्स तक एक्टिव रहता है, कभी कभी ये लिंक 48 आवर्स तक या 24 आवर्स तक भी वैलिड रहता है, तो ईमेल पे जरूर से चेक कर लीजिएगा एज फॉर हाउ मेनी आवर्स दैट पर्टिकुलर लिंक विल बी एक्टिव, ओके। एंड देन इमीडिएटली अपने टेस्ट को दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे आपको Amazon के ऑनलाइन टेस्ट को देना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है और कौन से बुक्स के थ्रू आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से बुक्स को मैंने यूज किया था इसकी पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए, वो वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके लिए कल लेके आऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिए, अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर आप उस पर्टिकुलर लोकेशन में हो तो आपको अप्लाई करना है या नहीं, ठीक है। Amazon की वेबसाइट एक बार चेक कर लीजिए इफ यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस रोल और नॉट, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग आवर रोटेशनल शिफ्ट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। एंड उसके बाद कल ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे उसका पर्टिकुलर टेस्ट का फॉर्मेट और कैसे आपको उसके लिए प्रिपेयर करके इमीडिएटली उस टेस्ट को ऑनलाइन देना होगा ताकि आप उसे पास कर पाओगे। पास नहीं कर पाओगे तो फिर से मौका नहीं मिलेगा और फिर आपको एक न्यू रिक्रूटमेंट नो ओपनिंग का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई रियली डू होप जो कि मैंने आपको आज की इन्फॉर्मेशन दी है कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी, यूजफुल रहेगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ Amazon, अप्लाई इमीडिएटली एंड आई रियली डू होप गाइस कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आज की मेरी इस रिक्रूटमेंट अपडेट्स रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट्स है, क्वेरीज है, तुरंत आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए और मैं इमीडिएटली आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने मैं इस वीडियो को जल्दी से रैप अप करती हूँ। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।